हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, फोटोशॉप लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में हम फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में गेटिंग फैमिलियर विद फोटोशॉप, तो सबसे पहले फोटोशॉप से फैमिलियर होते हैं, उसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर फोटोशॉप में वर्क स्टार्ट करने के लिए किस किस तरीके से आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको न्यू इमेज क्रिएट करनी है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, या फिर एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट कैसे किया जा सकता है। एंड थर्ड पार्ट में हम मेन्यू आइटम्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, फोटोशॉप इंटरफेस यहाँ दिया हुआ है। नंबर 1 पे है मेन्यू बार। मेन्यू बार को मैं डिस्कस डिटेल में करूँगी इस लेक्चर में। सेकेंड है टूल ऑप्शंस बार। जितने भी टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस सेट किए जाते हैं वो यहाँ से सेट किए जाते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं अडोब ब्रिज शॉर्टकट बटन, जो कि अडोब ब्रिज को लॉन्च करने का शॉर्टकट बटन दिया गया है। फोर्थ है आपकी पैलेट वॉल। ये पैलेट वॉल होती है जिसमें कि डिफरेंट काफ़ी सारे पैलेट्स यहाँ पे दिए होते हैं। जिस पैलेट की आपको आवश्यकता होती है उस पैलेट पे आप क्लिक करके उस पे आप वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में ऐसे भी प्रकार के आपको टूल्स दिए होते हैं। एंड सिक्स है फ्लोटिंग पैलेट्स। ये सब फ्लोटिंग पैलेट्स होते हैं, जैसे कि जिस भी पैलेट की आपको आवश्यकता होगी आप उसको मेन्यू बार में विंडोज़ में जाकर उसको इनेबल करेंगे तो वो पैलेट यहाँ से डिस्प्ले हो जाता है, और जिस पैलेट की आवश्यकता नहीं होती है उसको आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, जिससे कि वर्क जो स्पेस है, एरिया है, वो आपका आपको ज़्यादा एरिया मिल सके कवरेज। तो ये इसका एक बेसिक इंटरफेस है फोटोशॉप का। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में थोड़ा सा चेंज, थोड़े से चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ आइटम्स, उनकी लोकेशन, लेकिन मोर ओवर इंटरफेस आपका सेम रहता है। प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो दो तरीके से आप फोटोशॉप में वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है क्रिएटिंग एन इमेज, एक न्यू इमेज को क्रिएट करना, और ऑप्शन 2 है एडिटिंग एग्जिस्टिंग इमेज। इसके लिए आप एग्जिस्टिंग इमेज को ओपन करेंगे एंड देन उसमें एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन 1 में एक इमेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट न्यू। टॉप मेन्यू बार में आपको फाइल ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू पर सेलेक्ट करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाती है जो कि आपके सामने दी गई है, न्यू इमेज की विंडो। इसमें आप विड्थ हाइट मेंशन कर सकते हैं, रिजोल्यूशन, कितनी रिजोल्यूशन की आपको इमेज क्रिएट करनी है वो मेंशन कर सकते हैं, इमेज का मोड, कलर मोड मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि RGB कलर, CMYK के कलर, या फिर ग्रे स्केल इमेज बनानी है, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड भी आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कंटेंट्स वाइट बैकग्राउंड होगा, या कोई कलर्ड बैकग्राउंड देनी है, या फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखनी है। अच्छा, जो विड्थ एंड हाइट के जो ऑप्शन हैं, जैसे कि इसमें 63 पिक्सल्स एंड 68 पिक्सल्स दिए गए हैं, इसको आप पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, इंचज में भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से रिजोल्यूशन भी आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं एक न्यू इमेज को क्रिएट करने से पहले। स्टेप 2 में क्या है, टाइप ए नेम फॉर योर वर्क इन द नेम बॉक्स एंड डिसाइड द साइज ऑफ योर वर्क। फिर आप अपने जो न्यू नाम जो ऊपर नेम बॉक्स दिया गया है, जैसे कि जिसमें न्यू इमेज लिखा है, वहाँ आप टाइप करेंगे और अपना साइज डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक न्यू इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप फाइल पर जाएंगे और ओपन करेंगे, सेलेक्ट ओपन। तो अगर कोई भी जो भी इमेज आपके सिस्टम में है, पीसी में है, उसका आप ओपन करेंगे लोकेशन दे के, एंड सर्च द लोकेशन ऑफ योर इमेज इन द बॉक्स एंड क्लिक ओपन। सिंपली अब वो इमेज ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेन्यू। फोटोशॉप में टॉप जो इंटरफेस में हमने देखा था, पॉइंट नंबर 1 पे मेन्यू दिया हुआ था। यहाँ से आपको 9 मेन्यूज दिए गए होते हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज़ एंड हेल्प। टोटल 9 मेन्यूज़ आपको दिए होते हैं। तो अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से इसमें
ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सबसे पहले फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी डिस्कस किया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज को एडिट करने के लिए आप ओपन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज कर सकते हैं, ओपन एज करा सकते हैं, और इन सब के आइस आप देख सकते हैं सामने दिए गए हैं इसके शॉर्टकट्स। शॉर्टकट को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोफेशनल के लिए शॉर्टकट यूज़ करना बहुत ही इजी होता है और इसमें टाइम भी कम लगता है अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्लोज, क्लोज ऐप को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शंस हैं सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब, ठीक है। तो सेव आपका जो आर्टवर्क होगा, जो भी इमेज एडिटिंग आप करेंगे उसको सेव करने के लिए यूज़ होता है। सेव कर जब आप सिंपली सेव करते हैं तो ये फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट PSD में सेव होती है फाइल, और जब अगर आपको किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट में सेव करानी है तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अगर जेपेग फॉर्मेट में यूज़ उस फाइल को सेव करना है या PNG फॉर्मेट में सेव करना है तो आप सेव एज ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेव फॉर वेब में क्या होता है, सेव अ इमेज एज ए फॉर्म ऑफ .jpg और .gif विच इज़ यूज फॉर वेब इमेज। वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए इमेज, अगर आपको वेबसाइट पे यूज़ करनी है तो उसके लिए आप सेव फॉर वेब कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है वो लो रहता है, जिससे कि इमेज का जो साइज़ होता है वो कम होता है और वेबसाइट पे वो इजीली जो है लोड हो जाती है। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शंस। इम्पोर्ट में क्या होता है, ब्रिंग अनदर इमेज इनटू द कैनवस यू आर वर्किंग। अगर आपके का जो कैनवस है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको कोई दूसरी इमेज लानी है तो उसको आप इम्पोर्ट फीचर से आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली एक्सपोर्ट क्या करता है, सेंडिंग द इमेज यू आर वर्किंग टू अदर एप्लीकेशन। आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फ्लैश में एनिमेशन देना है, आपको एनिमेट करना है और कोई फोटोशॉप से इमेज आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, यहाँ से प्रिंट के ऑप्शंस हैं। प्रिंट में प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी, प्रिंट विद प्रीव्यू और पेज सेटअप से रिलेटेड, ये सभी प्रिंट के ऑप्शंस जनरली सभी सॉफ्टवेयर्स में होते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट है एग्ज़िट, एग्ज़िट करने के लिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। तो ये है आपका फाइल मेन्यू। सेकेंड आता है आपका एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में क्या होता है, आपके एडिटिंग से रिलेटेड फीचर्स दिए गए होते हैं, जैसे कि अंडू, स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड के ऑप्शंस वहाँ से आपको मिलेंगे। अंडू क्या करता है, कैंसिल करता है लास्ट वर्क को। स्टेप फॉरवर्ड आप क्या करता है, मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच यू डिड, नेक्स्ट स्टेज पे आपको फॉरवर्ड करेगा। एंड स्टेप बैकवर्ड अगर आपको प्रीवियस स्टेज पे जाना है अब जो आपने पहले वर्क किया है। सिमिलरली यहाँ से कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कट यानी कि आपको किसी एक इमेज का कोई पार्ट कट करना है, कॉपी यानी कॉपी ए पार्ट यू सेलेक्ट, जो भी सिलेक्शन करने के बाद आप कॉपी करें कर सकते हैं उस पार्ट को। एंड पेस्ट अटैच द पार्ट यू कॉपी, और आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं फेड ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एफ। एक फेड ब्रश की तरह से इस इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। देन आपके फिल एंड स्ट्रोक वाले ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं इमेज को फिल और स्ट्रोक करने के लिए। चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक के लिए टाइपिंग से रिलेटेड आए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर करने के लिए कंट्रोल टी आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है, अगर आप आगे से आगे जो ट्राइंगल दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि रोटेशन, स्क्यूइंग, इस तरीके के आपको ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगे इमेज से रिलेटेड एडिटिंग में। देन आप ब्रश साइज डिफाइन, ब्रश को डिफाइन कर सकते हैं, पैटर्न ब्रश को डिफाइन कर सकते हैं, उसके साइज, उसके फीचर्स। जब आप इन पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी और वहाँ से आप उसको उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, कलर सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो ये सब आपका एडिटिंग विंडो से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि दिए गए होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू में बेसिकली इमेज रिलेटेड सभी फीचर्स और एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके ऑप्शंस, जैसे कि आप सबसे पहले मोड, मोड में क्या होता है, सिलेक्टेड टाइप ऑफ कलर। जैसे कि जब आपने देखा होगा जब हमने न्यू इमेज क्रिएट की थी तो वहाँ भी हम
मूड को डिफाइन करते हैं। और अगर हमने वहाँ पे मूड डिफाइन नहीं किया और हम बाद में हमें लगता है कि हमें मूड चेंज करना है, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट कलर इमेज है आरजीबी टाइप की, और बाद में आपको लगता है कि आपको इसको ग्रे स्केल वाला इफेक्ट देना है, तो यहाँ से जाकर आप उसका मूड चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है आपका इमेज साइज, कैनवस साइज एडजस्टमेंट। इमेज का साइज चेंजेस द साइज ऑफ द इमेज, और कैनवस साइज से क्या होता है, चेंजेस द साइज ऑफ द कैनवस वेयर यू आर वर्किंग। तो आप कैनवस जो कि कंप्लीट आपका कैनवस है जिसमें मोर देन वन भी इमेजेस आप ओपन कर सकते हो, तो कैनवस साइज से कैनवस चेंज होता है, एंड इमेज साइज से आप पर्टिकुलर जिस इमेज पे वर्क कर रहे हैं उस इमेज का साइज चेंज हो जाता है। डुप्लीकेट इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। डुप्लीकेट क्या करता है, जो आपकी इमेज है उसकी एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी इमेज को एडिट करते हैं तो हम ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि इमेज में डायरेक्ट एडिटिंग करने के बजाय पहले उसकी डुप्लीकेट इमेज क्रिएट की जाए एंड देन उसमें एडिटिंग की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एडिटिंग बाद में ऐसा ही नहीं लगती है तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज होगी वो प्रिजर्व रहती है और हम उसकी कॉपी पे, डुप्लीकेट कॉपी पे वर्क कर रहे होते हैं। रोटेट कैनवस में चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर कैनवस, कैनवस की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ट्रिम एंड हिस्टोग्राम फीचर है। हिस्टोग्राम आप एक ग्राफ होता है जिसके थ्रू आप इमेज से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो बेसिक इसमें यही है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉपिंग वाला फंक्शन इसमें दिया गया है। क्रॉपिंग आप जब किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होगा, अभी ये हाईलाइटेड शो नहीं कर रहा है। जब आप सिलेक्शन के बाद बेसिकली ये फीचर हाईलाइट होता है, तो इमेज को क्रॉप करने के लिए पहले आप सेलेक्ट करेंगे और फिर जो जहाँ जितना पोर्शन सेलेक्ट किया गया होगा उसको आप उसको क्रॉप टूल की सहायता से आप उससे क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लेयर्स मेन्यू। तो लेयर्स मेन्यू में सबसे पहले न्यू। फोटोशॉप में बेसिकली जितनी भी एडिटिंग होती है वो लेयर्स में वर्क किया जाता है। ये इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है कि जितने भी जो भी आप एडिटिंग करेंगे, अगर कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में एडिटिंग होती है, एंड अगर टेक्स्ट उसमें ऐड करना है तो उसके लिए अलग डिफरेंट लेयर होगी। तो इससे क्या होता है, जो PSD फाइल बनती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है, एंड फ्यूचर में अगर आपको चेंजेस करने होते हैं तो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। अगर आप सिंगल लेयर में सारी एडिटिंग करते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसका डिज़ाइन बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एक पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग में एक बार वन टाइम जहाँ जो चीज़ बना दी, जैसा डिज़ाइन बना दिया, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फोटोशॉप आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यूजिंग लेयर्स कि आप उसमें जितनी भी एडिटिंग कर सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल होता है। तो लेयर्स में वर्क करने के लिए जो फर्स्ट सबसे पहले आप न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो न्यू पे जाएंगे, न्यू से न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से डिलीट करने के लिए डिलीट से, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के लिए डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन है, अरेंज करने के लिए चेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर्स, यानी जो लेयर्स का ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल एक लेयर में आपका टेक्स्ट है एंड दूसरे लेयर में आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो टेक्स्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रखना है तो टेक्स्ट वाली लेयर ऑब्जेक्ट लेयर के ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट लेयर टेक्स्ट लेयर के ऊपर आ जाए तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। मर्ज, मेक लेयर्स इनटू वन लेयर। फाइनली जब आप को अगर डिज़ाइन जो है आपका फाइनल हो जाता है, देन आप सारी लेयर्स को मर्ज करके एक सिंगल लेयर भी सेट कर सकते हैं। तो जितने भी लेयर्स से रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं वो आपको लेयर मेन्यू में दिए गए होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है। बेसिक अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो सब आपके बेसिक मेन्यूज थे। फिल्टर की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स आप अपने इमेज में दे सकते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निकल इफेक्ट्स जो कि कहलाते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सबसे टॉप पे लास्ट फिल्टर जो दिया गया है कंट्रोल एफ, टॉप आइटम ऑन द मेन्यू। तो कंट्रोल एफ इज सिंपली ए रिपीटिशन ऑफ लास्ट फिल्टर यूज। तो जो भी आपने लास्ट फिल्टर इफेक्ट यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर बार बार एक ही फिल्टर को आपको यूज़ करना है तो आप सिर्फ कंट्रोल एफ से लास्ट फिल्टर इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने इफेक्ट चेंज कर दिया तो जो भी लास्ट फिल्टर इफेक्ट होगा वही इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट एक फंक्शन है जो कि बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ऑल्ट कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है। जब किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हम हाथ से ट्रेस
नहीं कर सकते, या ट्रेसिंग डिफिकल्ट होती है। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल या ह्यूमन हेयर्स, फ्लाइंग हेयर्स के केस में, तो हेयर्स को ट्रेस करना यूजिंग सिलेक्शन टूल्स, ट्रेस टूल्स जैसे लेसो टूल्स, या जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, उससे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में हम एक्सट्रैक्ट फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विफाई। लिक्विफाई क्या करता है? इट अलाउज यू टू रैप द इमेज, पूरी इमेज को रैप करने का इफेक्ट देता है। इसमें एक वेट पेंट जैसा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर क्या करता है? एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता है सैम्पल, किसी भी एरिया से जहाँ से भी आप सैंपल लेंगे, टाइल की फॉर्म में, जो टाइल क्रिएट हो जाती है, जिस टाइल के पैटर्न को हम जो है पैटर्न के रूप में रिपीट किया जा सकता है। पैटर्न कहीं भी आपको पूरा पैटर्न लगाना है, या फिर अगर बैकग्राउंड भी देनी है तो वहाँ भी आप उस टाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आगे कौन कौन से फिल्टर्स यहाँ दिए गए हैं। आर्टिस्टिक फिल्टर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कलर्ड पेंसिल्स, पेस्टल्स एंड वाटर कलर्स के इफेक्ट देना। नेक्स्ट है ब्लर। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं ब्लर इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। इसमें तीन तरीके के बेसिकली ब्लर इफेक्ट्स होते हैं। गॉसियन ब्लर होता है। गॉसियन ब्लर में क्या करते हैं हम पिक्सल्स को स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितने पिक्सल्स की रेंज में कितने पिक्सल्स को ब्लर कर सकते हैं। सेकंड है मोशन ब्लर। इसमें स्पीड लाइंस की फॉर्म में ब्लर होता है, एंड रेडियल ब्लर होता है, जिसको कि स्वर्ल्स, एक सर्कुलर जो है आपका स्वर्ल्स के फॉर्म में आपको पिक्चर को ब्लर करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लर के बाद ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक से आप सिंपली डिफरेंट टाइप के ब्रश के स्ट्रोक्स टाइप के पैट जो है इफेक्ट्स दे सकते हैं। एंड डिस्टॉर्ट में डिफरेंट इमेज को डिफरेंट डिस्टॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, जो भी इफेक्ट्स होंगे। बेसिकली ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको। इसके बाद अगर इमेज में आपको नॉइज़ थोड़ी क्रिएट करनी है कुछ पिक्सल्स में, तो आप नॉइज़ फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। पिक्सलेट समटाइम्स आपने देखा होगा जैसे वीडियोस में भी या इमेजेस में, अगर कुछ ह्यूमन फेस अगर नहीं दिखाना है, कोई ट्रेजडी है, कोई क्रिमिनल्स के केस में भी, तो उसके फेस को पिक्सलाइट कर देते हैं, तो वो इसी फिल्टर को यूज़ करके किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें रेंडर फिल्टर दिया गया है। रेंडर अलाउ सोफिस्टिकेटेड 3D मैनिपुलेशन और लाइटिंग इफेक्ट्स। तो 3D मैनिपुलेशन अगर करना है और लाइटिंग इफेक्ट्स देने के लिए आप रेंडर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। शार्पन से क्या करते हैं कि फोटो की रिपेयर करने के लिए बेसिकली शार्पन फिल्टर यूज़ होता है। जैसे कि अगर फोटो ब्लर है, काफ़ी उसमें क्लियर नहीं है, तो उसकी एजेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट की एजेस को शार्पन करने के लिए फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है स्केच। स्केचिंग टाइप के इफेक्ट देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टाइलाइज। स्टाइलाइज में क्या होता है? पैटर्न्स एंड लोगो डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और लोगोस को स्टाइल्स देने के लिए। उसमें क्या होता है कि आप जो उसका जो बॉर्डर्स होता है, बाउंड्री होती है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं जो कि स्टाइलाइज से स्टाइल्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होता है कि इट अप्लाइज 3D और अदर टेक्सचर टू इमेज। इमेज में बहुत से 3D टेक्सचर या कोई भी टेक्सचर जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो फिल्टर्स वीडियोज़ में यूज़ किए जाते हैं इफ़ेक्ट्स देने के लिए। एंड उसके बाद अदर्स में भी कुछ डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स यहाँ दिए गए गए हैं, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं डिजी मार्क। डिजी मार्क क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक वाटर मार्क होता है, जो कि वाटर मार्क अगर आपको अपनी इमेज में एम्बेड करना है तो उसके लिए आप इस फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉपीराइट प्रॉपर्टी के लिए कॉपीराइट लिखना है, या अगर कोई भी आपको वाटरमार्क देना है तो आप डिजी मार्क का फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यू। व्यू में जूम इन और जूम आउट ऑप्शंस दिए होते हैं। तो जूम इन में आप सभी जानते हैं कि जूम इन जूम आउट क्या होता है। अगर इमेज को जूम इन करने के लिए यूज़ होता है, जूम करने के लिए, और वापस जूम आउट होता है। उसके बाद प्रिंट साइज हेल्प यू टू प्रिंट ओनली व्हाट यू नीड।
जिसकी ज़रूरत होती है उसको प्रिंट करने के लिए। प्रिंट साइज़ आप मेंशन कर देते हैं, कर देंगे जहाँ से भी, जो भी आपको प्रिंट जितना साइज़ प्रिंट कराना है। एंड एक्स्ट्राज में शोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बाय डिवाइडिंग इनटू सेपरेट सेक्टर्स। ये शो करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप फिट ऑन स्क्रीन ऑप्शन देख सकते हैं, एक्चुअल पिक्सल्स, ये सब प्रिंटिंग रिलेटेड, इमेज रिलेटेड हैं कि अगर स्क्रीन पे फिट करना है आपको अपने, तो वो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, एक्चुअल पिक्सल्स में शो करेगी इमेज। रूलर्स, रूलर्स होते हैं आपकी इमेज में, रूलर्स जैसे कि 1 2 3 जो है मेजरमेंट के लिए, आपका पूरा जो है स्केल शो होती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। गाइड्स होती हैं इसी तरीके से इमेज में, आप गाइड्स को लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके व्यू से रिलेटेड, ये इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो कहीं भी आपकी जो आर्टिस्टिक वर्क है, जो आपकी एडिटिंग है या उसे रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसको आपको को हेल्प करने के लिए एडिट करने में ये सारे ऑप्शंस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ मेन्यू। विंडोज़ मेन्यू द सेम फंक्शन विद व्यू इन अदर विंडोज़ एप्लीकेशन सच एज एमएस ऑफिस, एंड यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू मेक विजिबल ऑन योर पेज एंड व्हाट यू डोंट वांट टू मेक विजिबल ऑन योर पेज। तो विंडोज़ मेन्यूज़ में डिफरेंट जितने भी विंडोज़ आपके पैलेट्स और विंडोज़ आपको जिसको यूज़ करना है, जिसमें दिए गए ऑप्शंस को एंड टूल्स को, वो आप पर्टिकुलर विंडो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं टूल्स, ऑप्शंस, नेविगेटर, कलर, हिस्ट्री, लेयर्स एंड स्टेटस बार के आगे टिक का निशान है, यानी इट मींस ये इनेबल है, यानी कि आपको जो है इंटरफेस पर शो कर रहे हैं, और अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएंगे और ये इंटरफेस से आपके पे आपको नहीं दिखाई देंगे। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडोज़ होती हैं, जैसे कि टूल्स विंडो, ऑप्शंस विंडो, नेविगेटर, कलर्स रिलेटेड, स्वेचेस, स्टाइल्स, हिस्ट्री, एक्शंस, टूल प्रीसेट, लेयर्स के लिए, चैनल्स, पाथ्स, ब्रशेस, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड स्टेटस बार। तो डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं एंड फिर देन उसके फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी ये सारे ऑप्शंस, इसके में दिए गए ऑप्शंस एंड टूल बॉक्स के डिफरेंट टूल्स। थैंक यू।